माँ बेटा की चुगली देखियो, चुगली करा माँ बेटा तो नजर, चुगली चुगली देख रहा, चुगली चुगली कितने ध्यान तक चुगली कर लग रहे देखियो। इटी पूछ भाई, इसका थोड़ी सी लगी मेरे पैर कमरी जी, अब गेट खोल ले, इसका दादा ट्रैक्टर लेके आता है, आज इसका थोड़ी सी लगी पैर है, ये लो मम्मी दुख है, हर ये थोड़ी सी आया थोड़ी सी कमरी सी लगी इसका पैर का गुंठा कर दी, कम बताइए कौन उतरा ना, कम बताइए भाई, इसकी कितने स्ट्रांग है यार, मेरा बता मैं, हम इसकी वीडियो देखो फिर भी अभी तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब। तो आज है सैटरडे, आज मैं जाऊंगी स्कूल में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जाऊंगी सर दोस्तों से मिलूंगी और मैं ये देखना चाहती हूँ कौन कौन बच्चा पीटेगा मैम से, मार पाएगा, कौन कौन काम नहीं करके आया। मेरा तो एक कॉपी का काम रह गया था, वो मैंने कल सारा टाप लिया। क्यों पीटा, क्यों गए बच्चे? मैम को भी काम नहीं करके लाए, दस दस थप्पड़ या फिर मैम कहेंगे नर्सरी क्लास में बिठा दो, और बच्चे आप वर्क करके लेके आएंगे तो वे तो फिर मैम गुड्डी साहब बस ही था। मैं देखूंगी, मजे आओगे स्कूल में, बच्चे की पिटाई होगी तेरी, और लगी तो और गर्मी और ही बहुत ज्यादा। ना ना मेरा तो सारा काम कंप्लीट है, स्कूल में दौड़ दोगे रेडी हो चुका गोलू मोलू, मम्मी ने मेरे बाल काट दिए, थोड़े थोड़े काटे हैं नीचे तक, हमारा रफ से हुए थे ये बेबे रफ है, पराठे और रायता। आ जाओ बेटा, आप गुड मॉर्निंग करो, इस साइड आ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस, कोई नहीं, स्कूल का वर्क कम्प्लीट है ना, सारा कंप्लीट है। देख लो डल्लू मुल्लू दोनों तैयार हो गया स्कूल के लिए, जल्दी उठ गई है, 5 बजे उठ गया। और आज मम्मी जी देगी मेरे को 30 रुपए, दीदी पीछे थी हमारे साथ, बताओ कुकर मम्मी स्कूल में जाने लगे नहीं, हमारे बहुत रुपए लगने रोज के रोज, मम्मी ने बताओ कुकर जो कर 15 की तो मैं मोम कलर लाऊंगा, स्केच कलर कल बाद में ले आते थे, ठीक है 5 के मैं वो लाऊंगा इरेजर, ठीक है और 20 आज के मैं चीज खाऊंगा, 15 के तो जाओगे 10 के आओगे, हमारा स्कूल तो आज ही लग जाएगा। तो गाइस काफी बच्चों के स्कूल परसों लगेंगे क्योंकि हमारा स्कूल याद लग रहा है, और आज भी ऐसे कम बच्चे आएंगे क्योंकि कोई नानी के गया होगा, कोई चाची के गया होगा, और उनको देखा देखी करके वो 3 को आएंगे, तो हम तो जा रहे हैं स्कूल, पापा जी ने कहा था जाए तो नानी के चलो या फिर घूमने चलेंगे, फिर हम बोलते चलो घूमने चलते हैं, नानी के तो बाद में भी चले जाएंगे, इसीलिए तो गाइस अभी मैं करूंगी ब्रश, केवल ब्रश करूंगी अब मैं, फिर मम्मी जी ने खाना डाल दिया था, लंच में बना था रायता रायता रायता, तो आपको मिलते हैं स्कूल से आकर। ये चार्ट कौन सा किया, हर्ष के आई ये, और तो भाई का सिर्फ एक में रहता, सुना भाई पकड़ ले इसने, न्यू कर ले ले पूरा डाल दे, इतने बड़े बड़े बैग इनके देखियो भाई, चार्ट में चार्ट हाथ में ले लो बेटा, आप नहीं आगे डाल दे स्कूटी में, आगे डाल दे देखियो, लग लद दी स्कूटी तो बहुत सारे चार्ट बनाए हैं, चले अभी बच्चों लो चलते हैं, ठीक है हर से एक महीने बाद जा रहे हो, कैसा लग रहा है? और अनवी ने देखो ये तोता बनाया था, उड़िया को नहीं, उरे बैठिया बारिश में भी हो। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, चलो। तो गाइस आज हमारा पहला दिन है, आप बेस्ट विशेष करना कि आज हमारा पहला दिन अच्छा रहे, है बेटा हाँ। अच्छा रहे, पिटाई हुए स्कूल का वर्क कंप्लीट है पूरा नहीं, हाँ छोड़ो या थोड़ी तो आज पक्की पिट के आओगी स्कूल, क्यों क्योंकि क्यों बेस्ट विशेष के देनी तो धरती मैडम पिटाई ना करे है तो चलो रेडी हो गए हैं, और देखो स्कूटी, तो बाय गुड मॉर्निंग, चलो ओके बाय।
बच्चा ने मैं छोड़ आई थी और वैन तो वैसे आई कौन थी, तो क्योंकि छैप बताया तो था 6:50 का, लेकिन 6:50 में मैं छोड़ तो आई थी, लेकिन आज छुट्टियां के बाद में शुरू का दिन है तो आज वैन थोड़ी सी लेट आओगी। और उसके बाद मैं आकर ने बनाई दी थी मैंने चाय दोबारा वाली, क्योंकि मेरे पापा और मेरी माँ गए हैं खेत में, आपने देखा होगा कल वाली जो कलमा मैंने बाड़ी में तो पेड्डे से चुगे थे बेल पाड़ी थी, तो वही थोड़ी मोटी कड़ियाँ को रह रही है, तो उसकी साफ सफाई करेंगे और मैं लगूंगी झाड़ू पोछा का। और एकदम तो मौसम देखो आप, इतना खराब मौसम हो गया है एकदम तय, जमा 2-3 मिनट पहले जमा ठीक था मौसम, बस एकदम खराब होया है। और आंगन हो रहा जमा जमा बेकार, जमा खराब, 3-4 दिन हो गए धोए और आंगन धोऊंगी सारा का सारा। और सुरेश जी उठ गए हैं, वे उठ कर लग रहे हैं अपने बुरस करने, तो चलो फटाफट एक बार धो लिया आप आंगन, और उसके बाद में मैं बिनवाऊंगी और मैं गानवाऊंगी। अभी टाइम हो चुका है 9:30 और मैं कर लेती हूँ अब खाने की तैयारी, खेतों वाले भी आने वाले हो रहे हैं, मतलब लेट होगी मैं, 9:30 होगी तो बनाऊंगी, टाइम लग जाऊंगा। आटा तो वैसे लगा कर रख रखा है, बच्चे स्कूल में गए बनाए थे, और खाना में ज़्यादा कुछ बनाऊंगा नहीं, सवेरे बच्चों खातर मतलब सभी खातर बनाया था मैंने रायता, बच्चे स्कूल में रायता और पराठा लेके गए हैं, तो ईद मैं सब्जी बनाऊंगी। देखो ये वाली मिर्च, बड़ी बड़ी लाल मिर्च है, ये 4 मिर्च ये कुटूंगी और ये डाल दी मैंने एक तिल्ले में पानी में, और ये चला दूंगी मैं गैस, इतना ये भून जाऊंगे। और ये चटनी बनाऊंगी मैं काचर की, और रायता और काचर की चटनी है साबुत लाल मिर्च अच्छी, मतलब नन्नी कूट कर ना लहसुन डाल कर ना थोड़ा सा धनिया डाल कर साबुत, तो बढ़िया आऊगा टेस्ट, और फिर ताज़ा टिंडी का गला खाओगे गर्म गर्म रोटी से बहुत स्वाद लगेगी। और गर्मी तो वैसे ही फिर हो जाएगी, नहा तो ली मैं, नहाने का कोई फायदा तो कोई नहीं, क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, व्यायाम करा ली जमा, और नहाना मना नहीं पड़ा क्योंकि मैंने आंगन उंगन धोया नहीं सारा का सारा, तो बीच में बारिश आ गई थी आंगन धोते धोते, ज़्यादा तो कोई आई थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन फिर भी गिल्ली होगी, फिर मैस नुआई फिर छिटम छिट होगी। और आज गैस भी मतलब अच्छा तरीके से साफ करी है, साफ तो वैसे देखा फिर रोज ही करा, लेकिन आज सही तरीके क्लीन करी है बढ़िया तरीके से, तो खाना बना लियो फटाफट से। ये उबल जाऊंगी बस इतना, ये उबल उबाल देने आप इतनी पानी में, तो ये मतलब जल्दी कुट जाऊंगा, टाइम को लगता ज़्यादा। और पिछोड़ी मामी रखा कौन करा मिर्च ना मामू खाया करा, तो ये साबुते मिर्च रखा करा हमें, दो तीन कुट लिया करा लहसुन डाल कर, और यही सब्जी में डाल लिया करा, हरी भी बना ली, लेकिन हरी मिर्चा की चटनी कस रखी अच्छी को लगती, मतलब देखने में अजीब सी लग रही है जी, तो लाल कुट लूँगा वैसे मेरे पापा तरोड़ा करेंगे, मेरे पापा लाल मिर्च का भी फेंकता जी है, तो चलो फटाफट से बनाते हैं खाना, बच्चा बिना और यह जमा घर में बोर्ड दिन वास्तव करा कोई को नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे पापा सुरेश जी भी खेत में गए, मेरे पापा भी टेबल खराब हो रहा, तो टेबल ना लग रहे ठीक करें ना, ये सुरेश जी तो नाइट के वाले रहने दे, पापा बारिश आऊगी क्योंकि मौसम माखी देख लियो, क्योंकि मौसम एकदम तो इतना खराब हो गया था जो ही भी आऊगी बारिश, तो मेरे पापा बोले कुछ कौन बारिश आँधी चल लो खेत में, तो सारे खेत में जा रहे हैं, तो मैं खाना बना लेती हूँ फटाफट से, और खाना पीना बना लिया खा लिया, और थोड़ा तो घने तो कुछ रह रहे नहीं, और मारे चावला मोगी है इली कट्टा पछिदे करांगे, नू कया करे बोले कि अगर चावला में लाल मिर्च साबुत डाल दियो या लूंग डाल दियो नहीं तो ना इली हो ना जी हो है, तो भाई इसमें मामला देखो कितने लूंग डाल रखे हैं, और निरी लाल मिर्च है देखो कितनी, देखो दो ही है आंगन सारा, देखो कितनी लूंग गेड़ रखी है घनी है, और फिर भी इसमें इली हो रही। अभी खा रहे हैं हम चावल, मम्मी जी ने चावल बना चुके हैं, और दही हम लस्सी के साथ खाएंगे, दही तो सारी मैंने ले ली है, और लस्सी बोल की सही कर रहे हो, तो खाएंगे।
और आपने देखा था दिन में मम्मी चावल खराब हो रहे थे, सुखाए थे धूप में, तो अनवी ने चावल दी गए। आपने पता ही है अनवी चावल दी किसी नहीं तो भगवान दी गए है। चावल पार्टी शुरू हो गई है, चावल की चावल में कौन नींबू निचोड़ा करे नुख खाओगी के। और वो बैठी गाल के दे रखी चावल, पांच प्लेट दही ले रहे हैं, दही तो थोड़ी बच रही थी, एक नहीं प्याज ले आओ, प्याज भी गेड़ेगी, नींबू भी तोड़ेंगे, लस्सी इस तरह चावल खावे, तब चावल खाने का भी तरीका अलग है इनका। बेटे बब्बू ये अनवी तो बिहारी थी पिछले जन्म में, मम्मी जी बिहारी की माँ कौन है करे बिहारी बिहारी आलू खाएगा बेटा, आलू तो गेड़े खुंदर के थे को नहीं आलू तो जन भी उरे बेटा लिया रसोई में आलू प्याज प्याज डाल लगे नींबू तोड़ रहे हैं और सब तो बड़ी थाली ले रहे हैं तो कौन बैठे रहे मेरे बेटा तो चलू हो रहे सब तो पहला लासी ने गिलास भर रहा है किसे लागे बेटा चावल पीले पीले है पीले पीले है वो तो माँ ने फेरे है नहीं पीले पीले है मैं तो टेस्ट में पूछू किसे लागे है खाया नहीं अभी मेरे भी काटियो अभी खाया नहीं ये किसमें करूँ सोलह क्या थाली बड़ी देर कितनी बड़ी थाली दे रही आपको दो इसमें देखिए माजी इमें थोड़ी इसमें थाली में हो इमें थोड़ी चावल माजी माजी आप कौन खाओ सारे लोग कह मेरी माँ आप कौन खाओ खाओ क्या तू कौन बेटे थाली माँ की है बेटी हाँ माँ जी ने कही है भाई ना हो और भी अभी तक कुछ कर मैं सारे कौशलों में मेरी माँ ने कौन खान लाया था और भी है आपकी तो माँ है इनकी माँ जी है आपने मेरा इस बात का कैद कर रहा है ये ठंडी लासी पीण के सिम्टम सिम्टम है ठंडी चीज डायलॉग करके खाई फिर इनकी आम लिया दोपहरा ने आम की बनाए बनाए खाई रही ट्रड़ करा है दिनू के दिनू और बंद करो पता है देखिए बात है तो चलो खा लेते हैं एक बार चावल आज मैं कहा मम्मी फोन बंद करो मेरा इनके बता होगा यू इतनी पूछ भाई इसका थोड़ी सी लगी भाई पैर कमड़ी सी अब गेट खोल इसका दादा ट्रैक्टर लेके आता ही और इसका थोड़ी सी लगी पैर का यार लोग मम्मी दुख है हर थोड़ी सी है थोड़ी सी टमड़ी सी लगी भाई इसका पैर का गुंठा का थोड़ी सी कम बताइयो कौन उतरा ना तम बताइए भाई तो कितने स्ट्रॉन्ग है यार बेरा होगा तमने तम इसकी वीडियो देखो हो फिर भी अरे इतने लीलो हो गया कोनी दे थोड़ा कोनी बे थोड़ा सा लगी मेरी बेटी पूरा लगी थोड़ी सी गुंठा का नू तो लाग जा पर है तम बताइए भाई कमेंट करके ना जरूर बता दियो मेरी बेटी ने यार कितनी बहादुर है यार बहुत बहादुर है मेरी बेटी हां नहीं बेटा देवरोवा कोनी भी अच्छी पोजी की ड्राइंग भी सीख के बनाते थे अच्छी अच्छी ड्राइंग बनानी आवे इसने हर प्रोजेक्ट बना दे पूजगा ठीक बहुत अच्छा डांस करे मेरी बेटी अरे देखे चुप हो जाएगी भैया देखे मेरी बेटी इतनी शानी है चुप हो जाएगी नहीं मम्मी की बात मानेगी नहीं मानेगी नहीं देख अरे भाई देख दिया आसान लग रहा देख सही है और हर से इसने आसान लग रही मेरी बेटी ने और देख लो इसने आंधे सहित कहा मम्मी मेरे खातर आप चावल बना दो इस खातर मैंने आंधे सहित चावल बनाए स्कूल में तो तुम्हें जरूर बताइयो भाई क्या बात है कुछ ना बताइयो कमेंट करके या जरूर बताइयो हमारी अनवी कितनी बहादुर है कितनी स्ट्रॉन्ग है यार जामन लिया भाई खतर जामन खा ले मिर्च खुआवे मिर्च खुआवे मिर्च खुआवे ना भाई मिर्च ना खुआ दी मेरी बेटी ने जा जामन लिया दीदी खतर जा देख जामन खावा अनवी कौन खावे ना भी चीटिंग करा मेरे साथ में ना गंदी ना काकड़ी
तो मैं खाना बना लू बोले मेरे पेट छाने चुप हो गई होगी खाना नॉन बनाना तो क्यों बनाऊं देख ले इसका तरतीब कड़ा गया आपका खाना ना बनाओ हॉटस्पॉट कर दो एलईडी पे हॉटस्पॉट बना दो एक नेट तो खा गई बेटा एक सिम का तो सारा था मैं एक का बच रहा थोड़ा खुद खाया था आज भी हॉटस्पॉट सारा रख रहा था देखो बड़ी बिंदी लगाया करते निशान नहीं हो रही है यार छोटी की देखो दिखाया कौन बेटा खून कौन दिखाया करे वीडियो में स्ट्राइक लगा दे बेटा जी देख कौन खान दिखाना अलाउड को नहीं होता वीडियो में ठीक है तो हो जाएगा ठीक है वे है नी वे देखे होंगे आपने मदर प्रिंस कॉमेडी वाले रे उनकी वीडियो थी एक उनकी वीडियो में नहीं लड़की और रोवा थी छोटी सी बहन जी आ रही उनकी उसकी बेबी की छोरी अरे वह रोवा थी तो चुप नहीं उनके करके उसने चुप करावा है तो लोगों का इतनी जड़न इतनी जड़त हो जावा है लोगों ने उनकी वीडियो पर भी देख आप स्ट्राइक लगवा दी बे बच्चा ने रुआ हुआ ये जान बुझ कर देखो भाई आजकल है नी यूट्यूब पर क्या सिस्टम हो रहा है जो गंद खाना दिखावे जो गंद आवे यूट्यूब पर उनकी तो लोग मतलब बढ़ावा दे उनकी कोई कुछ भी नहीं गंदा और वे कितनी अच्छी वीडियो बनावा है बस एक रोई थी रोना तो कोई गुना को नहीं बच्चा रो भी पड़ा है इमार अनवी भी रो पड़ी तो इसका मतलब कोई स्ट्राइक लगा देगा तो उनका चैनल पर भी देख दो आप स्ट्राइक लगा दी इतनी जड़त खोर हो रही है और जो गंदी वीडियो बनावा है गंद खिड़ा रखे यूट्यूब पर उनकी कोई कुछ भी नहीं गंदा और जो अच्छी वीडियो बनावा नहीं उनकी तो लोग जिदे वो कर देवे है तो काटूंगी इसमें तो मैं तो खून खाने की जो भी ये वीडियो दिखाई थोड़ी बहुत की कोई स्ट्राइक लगा दे बिना कम चैनल पर दिक्कत आ जाए तो मैं खाना बना ली बेटा ठीक है ये बात थोड़ी देर लेट जाओ ठीक है हाँ लेट आई मिनट बेटी और मैं खाना बनाऊंगी क्या करा रहा है ओए पाउडर खराब ना करे देखिए इसके गंदे के काम है नाई से नाई पेट आ रहा मेरे बेटे देखो कितना बड़ा अगना जग है ए पेट ली पेट आ रहा तेरा दिखाई रहा है ए पेट ली पेटली कौन है देखियो इसके कान देखियो पाउडर ने उड़ावा इसका मैं गाल करने हैं बेटा गंदे काम है ये इतना ही वाइपर बेचने लग रहा था पुकर बेचा था वाइपर रहा वाइपर ले लो वाइपर बेची वाइपर बेच के दिखाई मेरी सौ रुपये किलो मीठा वाइपर पेट देखी थोड़ा थोड़ा से खाइए काट के चलो बेटा मैं भी खाना बना लूं है आप लेट जाओ ठीक है लेट जाओ और ये डाल दिया अभी शाम का खाना तो शाम का खाना में हल्का खाना बनाया है नमकीन दलिया और ये भाई कढ़ोने का अपना देसी दूध तो गाइस अभी का खाना पीना हो चुका है और मम्मी जी जो है बर्तन साफ कर रही है अभी अभी मम्मी जी मेरे पैर पे बिटाडीन लगा के गई है जो पहले से मेरा थोड़ा सा आराम है तो थोड़ा बहुत मेरा भी पैर दुख रहा है तो मैं पापा जी के वेट में बैठी थी तो पापा जी आए नहीं क्योंकि वो बाहर गए हैं थोड़ी देर लेट आएंगे तो मैंने सोचा मम्मी जी तो है बाहर मैं ब्लॉग का एंडिंग कर देती हूँ तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए सभी को बाय और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना बाय।